सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है इन्फिनिक्स का और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी मीडियाटेक सीपीयू वाले फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जब आप फ़ोन फ्लैशिंग करते थे तो मीडियाटेक में आपको अलग से एसपी टूल रखना पड़ता था, उसके अलावा एक और टूल रखना पड़ता था जिससे कि इन फ़ोनों का ऑथ बाईपास हो जाए। तो आपको पता होगा जितने भी मीडियाटेक सीपीयू वाले फ़ोन हैं उनको फ्लैश करने से पहले उसका ऑथ बाईपास करना पड़ता है और ऑथ बाईपास के लिए एक अलग से टूल लेना पड़ता है। तो पहले उसमें कनेक्ट करो, फिर ऑथ बाईपास करो, फिर नॉर्मल टूल से कनेक्ट करो और दुनिया भर का एरर आता था। लेकिन UMT ने जब से ये मीडियाटेक में अपडेट दिया है 0.1 वर्जन और 0.2 वर्जन, उसमें फ्लैशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सुविधाएं हो गई हैं। तो किसी भी मीडियाटेक वाले फ़ोन को बहुत ही आसानी से आप इसमें फ्लैश कर सकते हैं। तो आज हम एक फ़ोन को फ्लैश करके दिखाएंगे। सबसे पहले उसका फ्लैश फाइल हम यहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो आपको फ्लैश फाइल अगर एक्चुअल लोड करना है तो सबसे पहले फ़ोन को कनेक्ट करिए अपने UMT में और यहाँ पे मीडियाटेक के लिए आपको पता होगा फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा केबल लगा के गेट इन्फॉर्मेशन कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि इस फ़ोन में कौन सा CPU है, मॉडल क्या है, और उससे आप इसका गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि इसमें ये फ़ोन का मॉडल क्या है। तो मॉडल तो हमें पता चल चुका है कि इसका मॉडल है इन्फिनिक्स 05G और X6815B। इसमें 6815 भी आता है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं कनेक्ट करने के लिए बोला, क्योंकि बिना कनेक्ट किए आप अगर इसको मॉडल सर्च करेंगे तो इसका गलत फ्लैश फाइल आप डाउनलोड कर लोगे और इसी की वजह से लोगों की फ्लैशिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग फ्लैश फाइल डाउनलोड करने में ही गलती कर देते हैं। एक्चुअल फ्लैश फाइल ही मतलब मोबाइल का एक्चुअल मॉडल नहीं सर्च कर पाते, क्योंकि जब आपके पास फ़ोन कोई सॉफ्टवेयर कंडीशन में आता है प्रॉब्लम में तो आप हर फ़ोन का मॉडल नहीं जान पाते हैं। तो कैसे इसका मॉडल जाना ये तो हमने आपको बता दिया, अब हम जानेंगे कि इसको फ्लैश कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ्लैश फाइल को तो डाउनलोड कर लिया है बहुत जल्दी और यहाँ पे पहले इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक आप सभी लोगों से कहूँगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्हें वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा देते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और आपको हमारे वीडियो की हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अभी हमारा जो फ़ोन है वह फ्लैशिंग के लिए रेडी हो चुका है। एक्चुअली इसमें एक सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी और ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत आप फ्लैशिंग से दूर कर सकते हैं। और चलिए पहले हम इसको अपना जो ये टूल है इसको पहले ओपन कर लेते हैं। और ये टूल आपका MTK 0.2 वर्जन है और आपको UMT का लेटेस्ट अपडेट को भी देखते रहना है, क्योंकि कई लोग क्या है कि UMT यूज करते हैं पुराना वाला ही और नया वाला अपडेट भी आ जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो ऐसे में आपको वीडियो इसीलिए बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट आए तुरंत आपको पता चले और तुरंत आप उसका लाभ उठा पाएँ। तो यहाँ पे हमारा जो टूल है ये ओपन हो चुका है। यहाँ ऊपर आपको देखेंगे तो डिसेबल ऑथ का ऑप्शन पे चेक मार्क हमने लगाया है, फोर्स बी रोम पे चेक मार्क लगाया है और डंप प्रीलोडर पे। तो इसमें जो ड्रम प्रीलोडर है और बी रोम फोर्स बी रोम है, ये दोनों में से किसी एक को अनटिक करना पड़ता है फ़ोन के अनुसार कौन सा फ़ोन है और उसकी सिक्योरिटी कैसी है। तो उसमें अगर कोई एरर आता है तो आप चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैटर फाइल देख सकते हैं, यहाँ पे लोड कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे राइट फ्लैश पे क्लिक करना है, रीड इन्फॉर्मेशन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो उसका इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी फ़ोन का अगर इन्फॉर्मेशन देखना है तो सबसे पहले रीड इन्फो कर लीजिए तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे फ़ोन को अब डायरेक्ट कनेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्लैश फाइल डायरेक्टली सेलेक्ट है और यहाँ पे फोर्स ब्यूरो पे अनटिक हमने कर दिया और यहाँ पे डिसेबल ऑथ पे टिक रहने देना, ये ऑथ को डिसेबल करके आपको फ्लैश कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको और ऑथ की कोई समस्या नहीं होगी चाहे कोई सा भी फ़ोन हो। तो एक ही बार में हमारा वन क्लिक में सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन देख सकते हैं, हमने वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगाया स्विच ऑफ करके फ़ोन को, तो यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग जो है वो चालू हो गई है और देख सकते हैं आप कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई फ्लैश फाइल थोड़ी सी गड़बड़ हो तो शायद हो सकता है कि आपको कोई एरर देखने को मिल सकता है बाई चांस, लेकिन अगर फ्लैश फाइल सही है, फ़ोन का मॉडल सही है और फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है पोर्ट वगैरह में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मीडियाटेक में कोई भी एरर देखने को मिलेगा। तो अभी फ्लैशिंग को थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि फ्लैशिंग में कोई भी सभी फ़ोन आप फ्लैश करते हैं तो थोड़ा टाइम जरूर लेता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे हमने वीडियो को किया है फास्ट फॉरवर्ड ताकि आपका जो समय है वो मैं बचा सकूं और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। तो फ्लैशिंग में सबसे मेन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लोगो बूट लोगो ये सब चीज़ें चालू हैं और ये सारी चीज़ें फ्लैशिंग के दौरान आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देंगे कि बहुत सारी फाइलें यहाँ पे देखें जो अनटिक की हुई है। तो ये सब फाइलें अनटिक करने का ये है कि ये जो फ्लैश फाइल जो कंपनियाँ बनाती हैं वो अपने हिसाब से
फ़ोन में जो रिक्वायर्ड होता है उन्हीं के हिसाब से इसको करती हैं। और आप अगर इसकी जानकारी रखते हैं तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें आपको FRP वगैरह की भी यहाँ पे फाइल देखने को मिल रही होगी, FRP लिखा हुआ है। तो इन सभी फाइलों को टिक मार के और आप इस फ़ोन का FRP वगैरह भी इस फ्लैश फाइल से बाईपास कर सकते हैं। अगर जैसे कई बार ऐसा फ़ोन होते हैं जिनका डायरेक्ट UMT में कोई सपोर्ट नहीं रहता है, जैसे अभी ये UMT से FRP करोगे तो ये फ़ोन हो जाएगा, लेकिन जिस फ़ोन का FRP सपोर्टेड नहीं है तो उनकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके और उसकी फाइल FRP फाइल को आप टिक करके और फ़ोन की FRP बाईपास आप कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर फ़ोनों की तो ये टूल ही अपना फाइल ऑटोमेटिक इसके अंदर रहता है, जिससे कि आप डायरेक्ट बिना किसी फाइल को सिलेक्ट किए ही अनलॉक कर लेते हो, तो ये ज़्यादातर तो रहता ही, लेकिन बाई चांस अगर किसी का नहीं रहता है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लगभग हमारा फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। और इस फ़ोन में एक्चुअली दिक्कत ये थी कि ये फ़ोन जैसे कि हमने जब सॉफ्टवेयर करने की कोशिश की तो सॉफ्टवेयर के दौरान इस फ़ोन को हमने बीच से ही कनेक्शन टूट गया, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर में एरर आ गया। और ख़ास तौर पर इन्फिनिक्स के जितने भी फ़ोन हैं जो MediaTek चिप वाले, उनमें ये ज़्यादातर एरर आता है। तो आप कनेक्शन को लूज रखने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि पूरी कंप्लीट जो भी चीज़ें हों। और जब आपका फ़ोन मतलब अनलॉक हो जाता है तो जब खुलता है फ़ोन तो उस समय भी आपको कोई भी स्विच ऑफ वगैरह या फिर बटन दबा के बैटरी वगैरह नहीं निकाल देना है। थोड़ी देर तक वेट करना है ताकि आपको फ़ोन अच्छे से प्रॉपर खुल जाए, तब जाके आपको दूसरा अगला प्रोसेस करना है। ऐसे बीच में आप उसको अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एरर ज़रूर दे देगा। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। अब बस सिंपली आपको इसको चालू करना है और चालू करने के बाद से देख लीजिए कि आपका ये फ़ोन जो है ये आपका फ्लैश कम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा तो फ्लैशिंग कम्प्लीट हो गया और हमारा फ़ोन अभी हमने चालू कर दिया। और अब देखते हैं कि हमारा फ़ोन चालू होता है और कोई सॉफ्टवेयर का जो एरर था वो ख़त्म होता है कि नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन फाइनली चालू हो चुका है, यानी कि हमारी जो फ्लैशिंग थी वो 100% सक्सेसफुल रही और हमारा जो फ़ोन है नॉर्मली ऑन हो चुका है। अब इसको सिंपल सा आप चालू कर लीजिए। अगर इसमें FRP लॉक होगा तो FRP मांगेगा, तब वो फिर से FRP पे पास करना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली फ़ोन खुल जाएगा, और हमारे में FRP नहीं था, ये हमारा फ़ोन खुल चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।